साले सवाब है और कब्रिस्तान में रखी गई है। इसी के पेश नज़र चंद बातें हैं जो अर्ज करना चाहता हूँ। मजलिस है ईसा आले सवाब की, इसका मतलब ये हुआ कि हम सवाब पहुंचाने आए हैं। सवाब पहुंचाने आए हैं, किसको सवाब पहुंचाने आए हैं? उनको सवाब पहुंचाने आए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और जो खुद अपने लिए अब कुछ नहीं कर सकते। कब्रिस्तान में मजलिस रखी गई है, इसमें भी अगर कुछ ना कुछ बातें होंगी जो मज़हब की रोशनी में ये निज़ाम बनाया गया, मैं उनमें से एक दो बातें जो जहन में आ रही हैं उनको रखना चाहता हूँ कि देखिए परवरदिगार आलम ने दो तीन बातें, कभी कभी बाद बातें हमारे जहनों में क्लियर नहीं होती हैं, उनको क्लियर कर दिया जाए तो हम बेहतर नतीजा अपनी उसी काम का, उसी अमल खैर का, उसी नेकी का ज़्यादा बेहतर नतीजा हासिल कर सकते हैं जिसके मुतालिक हमारी सोच क्लियर न होने की वजह से नतीजा कम हो जाता है। मसलन हम ईसा अलैह सवाब के लिए सूरह फतिहा पढ़ें और सिर्फ अपने मरहूम बाप की रूह को हदिया करें, ये भी एक तरीका है। माँ बाप को हदिया करें उसी सूरह को, या हम पूरे ख़ानदान को हदिया करें, या हम इसलिए ज़रूर कि हमें अपने मरहूमीन को बहरहाल याद रखना है, उनका तमाम ख्याल हो, लेकिन साथ साथ
हम जो भी अमल खैर करें वो जो दुनिया से जा चुके उन सब मोमिनीन के लिए करें। तो हमें कभी कभी लगता है अपने अमल से ज़रूर कि शायद बट गया, लेकिन परवरदिगार के करम की इंतहा है कि हमें तो खाली फरमाइश करना है, देना तो उसे अपने ख़जाने से है। तो फिर हम फरमाइश करने में कंजूसी क्यों करें? रवायात तो यही कहती है कि अगर किसी अमल खैर का अजर हैला भी लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों में, जैसे हम तबर्रुक लेके आते हैं 50 लोगों में बांटे, वही तबर्रुक 100 में बांटे, वही 200 में बांट दे तो घटता जाएगा, कम मकदार उसी कम क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो ये सोच हमारी है और हमारी दुनिया की चीज़ों की मजबूरी है। लेकिन जब बात अजर खुदा और फजल खुदा तक पहुँच जाती है तो ये हदूद ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा हमें कोशिश करना चाहिए कि अपनी इस महदूद सोच को यहाँ ला कर ख़त्म कर दें कि मालिक हमारी खुदगरज ज़हनियत और महदूद सोच हमारे अपनों से बाहर नहीं जाती, मगर तू करीम परवरदगार है, हम तो इतना ही कर सकते हैं, इसी को तू फैला के हर जगह पहुंचा सकता है। और रवायात यही कहती हैं कि तुम अजर अपनी तरफ से जो सवाब हदिया करोगे अगर उसे बांटोगे तो हम काट के नहीं बांटेंगे, तुम्हारे ही दिए हुए को फैला के हर एक के साथ उतना ही पहुंचाएंगे जितना तू पहुंचा देना चाहते हो। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी छोटी सी वजाहत जो यहीं पे करना चाहता हूं कि हम नाम लिख के देते हैं कि इनके लिए फातिहा पढ़ा जाए, और अब मसलन मसाजिद में, अंजुमनों में, इमामबाड़ों में इसका ईसा सवाब की स्कीमें हैं कि आप इतनी रकम जमा कर दें, आपके मरहूमिन के लिए हम ईसा सवाब करेंगे, मजलिस करेंगे या फातिहा पढ़वाएंगे। तो जो रकम जमा होती है वो खाली फातिहा पढ़वाने की नहीं होती, मजलिस की भी होती है। लेकिन जब वो ईसा सवाब की मजलिस होती है तो फातिहे के लिए नाम पढ़वाए जाते हैं। अब ये भी हमने ठीक से, माफ़ करेंगे मेरी, मैं किसी पे ना, अगर मैं किसी बात को जो मैंने खोजा मस्जिद के अशरे की इसी इब्तदाई मजलिसों में बात कही थी कि दीन के बारे में आलम वक्त से लेके मेरे जैसे जाहिल तक जो कुछ बताते हैं उनके कहने का साफ और सरी मतलब यह है कि जो दीन मैं समझा हूं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। कोई तवज्जो दे के, बहुत कीमती बात है, कोई इस बात का दावेदार नहीं है कि जो दीन लौहे महफूज में है, जो दीन परवरदिगार ने अपने रसूल को दिया, जो दीन और मजहब अइम्मा ताहरीन को अता हुआ है, जो असल दीन है, मैं वही आप तक पहुंचा रहा हूं। हम में से हर एक दीन के बारे में दीन ही से समझ के जो समझता है वो अपनी समझ आप तक पहुंचाता है। तो अगर कोई भी मेंबर से आके कोई बात पेश करता है तो वो दीन कतअन दीन ही है, ये जरूरी नहीं है, वो उसकी, अब आप ये देखेंगे कि किसकी कितनी समझ है। एक बीमार के बारे में हम बैठे हैं तो हमारे दरमियान लोग बड़ी जल्दी डॉक्टर भी बनते हैं, बीमारी भी तय करते हैं, दवा भी बताते हैं, वो भी इंसानी हमदर्दी का नतीजा, मैं उसे बुरा नहीं मानता, बस मैं लगड़ा के चलता हूं, हर आदमी मुझे कोई तेल या दवा बता ही देता है कि आप ये करें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उसका भी जवाब सुन लीजिए। मैंने कोई बहुत बड़ा एक इश्तिहार देखा आजकल, इश्तिहार में सेकेंड्स में जो देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर, सब ठीक होता है, तेल लगाया और इन्फ्लेमेशन खत्म हुआ और वर्जिश के लिए मशीन जमीन पर रखी, वाइब्रेशन हुआ और पैर सिमट गए और हमारे जैसे बेवकूफ़ बन के खरीदते रहते हैं। तो ऐसी एक बीमारी किसी इसी जोड़ों के दर्द की कोई दवा थी, तो हमने जो हमारे डॉक्टर थे उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ये दवा कह रही है ठीक कर देंगे, खाएं, तो उनका मौलाना साहब सुनिए, अगर वाकई हमारे निगाह में कोई दवा ऐसी बन चुकी होती जो आपको ठीक कर देती तो ये वैद्य जी इश्तिहार से क्यों बेचते, हम क्यों ना बेचते, हम तो चाहेंगे कि आपको ठीक कर दें, आप हमारा नाम कमाएं। तो मैं कहना ये चाहता हूं मेरे अजीजों कि जैसे एक मरीज को ला के रख दीजिए सोसाइटी में, वहां मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, हर आदमी अपनी अपनी राय देगा कि इनको ये बीमारी, इनका ये इलाज, इनकी बीमारी शुगर की और गठिया की,
हर एक बता देता फौरन ये बीमारी है, हार्ट की भी अब तो हर चीज सोशल मीडिया पे डॉक्टर बनाए चली जा रही। पहले से भी नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान मौजूद में थे, थोड़ा से जानकारी ली और लोगों को इलाज करने लगे, थोड़ा से जानकारी लिए मजहब सिखाने लगे। अब सोशल मीडिया ने हमको और बला बढ़ा दी है कि सोशल मीडिया के मजहबी नुस्खे भी और सोशल मीडिया के इलाज के दुनियावी नुस्खे भी हमको सबको डॉक्टर बनाए दे रहे हैं। तो बहरहाल एक आदमी के बारे में एक आम आदमी भी राय देता है इनकी ये बीमारी है, एक दो साल की प्रैक्टिस वाला भी राय देता है, BUMS भी राय देता है, MBBS भी राय देता है, MD भी राय देता है, उसके बाद एक एक्सपर्ट भी राय देता है, फिर एक सुपर स्पेशलिस्ट भी राय देता है, फिर एक 50 साल के तजुर्बे वाले राय देता है, और उनमें से हर एक कहता है मैं इसकी बीमारी को यूं समझा हूं और इसका इलाज यूं समझा हूं। तो आप बताइए ईमानदारी से, जो कुछ मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा उसकी राय मानेंगे, या जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसकी मानेंगे, या उसकी मानेंगे जो उस फील्ड का सबसे एक्सपर्ट और तजुर्बेकार है? तो हमारी कपल कहेगी कि हम उसकी मानेंगे जो एक्सपर्ट और तजुर्बेकार है। तो मिंबरों से, कलम से, अशआर में मजहब की समझ आपके सामने पेश होती रहेगी। लोग मजहब की समझ अकीदों की शक्ल में पेश करेंगे, अहकाम की शक्ल में पेश करेंगे, लेकिन जो पेश किया जाए तो ये देखना आपका काम होगा इसमें सबसे एक्सपर्ट कौन है। जो वो बता रहा है मजहब की समझ, वो मुझे कबूल करना चाहिए। शायद मैं अपनी बात ठीक से कह नहीं सका हूं, हम सब मजहब को समझ के आपके सामने पेश कर रहे हैं मजलिसों में, मेंबरों से हमारे नजरियात आपके सामने आएंगे, अकीदे भी अलग अलग से दिखाई देंगे आपको, आपको अहकाम में भी बयान अलग अलग दिखाई देगा। तो अब आप जैसे अलग अलग राय देने पर आप इलाज छोड़ नहीं देते, भरोसे वाले तजुर्बेकार तरीन डॉक्टर को ढूंढते हैं, जैसे आपके केस में मुख्तलिफ वकीलों की राय आने पर और पुराने मुकदमेबाजों की राय आने पर आप अरे साहब मैं समझ नहीं आता, मैं करूंगे नहीं, मुकदमा ही नहीं, जाता ही नहीं, मैं जेल हो जाने दो, नहीं करते, वैसे ये बहाना हम नहीं बना सकते कि इतने मजहब बताए जा रहे हैं और उन मजहबों में के अंदर हमारा मजहब अकेला है और उसके अंदर भी इतनी राय और इतनी तजवीजें आ रही हैं, लिहाजा हम कंफ्यूज, हम कुछ नहीं करेंगे। आपको उस कंफ्यूजन के दरमियान से अल्लाह से मिली अपनी अक्ल के जरिए निकल के उस तक पहुंचने की कोशिश करना पड़ेगी जिसकी बात आपको सही लगती है। और वो क्यों कैसे पहुंची जाएगी, दो चीजें हैं जो जो नुकसान सही बात तक पहुंचने और पहुंचाने से रोकती हैं, सही बात तक पहुंचने से भी रोकती हैं और पहुंचाने से भी रोकती हैं। सही बात तक पहुंचने से जहालत रोकती है, तवज्जो देंगे, सही बात तक पहुंचने से जहालत रोकती है, और कभी कभी जहालत नहीं होती मगर या जहालत के ना होने के बावजूद या लालच रोकती है या डर रोकता है। मेरे पास वक्त होता मैं इन चीजों को मिसाले देता, लेकिन मैं इतनी तफसील से बात नहीं करना चाहता, मैंने जो आयत पढ़ी उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सही बात तक या जहालत नहीं पहुंचने देती, या सियालत पहुंचने, जहालत नहीं इल्म होता मगर लालच नहीं पहुंचने देती, आदमी अपने फेवर की सही बात निकालने की कोशिश करता है या डर नहीं, और अगर पहुंच भी जाए तो इल्म भी सही बात तक पहुंचने में कामयाब बनता है, बना सकता है, मगर इल्म सही बात पहुंचाने में कामयाब नहीं बनाता। इल्म के बाद आदमी को दो चीजों से पाक होना पड़ता है, एक लालच से पाक होना पड़ता है, एक लोगों के डर से पाक होना पड़ता है, यानी उसके अंदर शजाअत भी होना चाहिए और उसके अंदर हिर्स भी नहीं होना चाहिए। जब आदमी लालच से पाक होता है, जब डर से पाक होता है, तब वो सही बात पहुंचाने के लायक बनता है, यानी आदिल बनता है कि जो उसे कहना है वही कहेगा और जो बताना है वही बताएगा और जो है वही सिखाएगा। तो मेरे अजीजों, हमको बातें बहुत सुनने को मिलेंगी मगर वो सब अपनी अपनी सोच है, मजहब के बारे में अपनी अपनी समझ है, सोच का लफ्ज सही नहीं है, समझ है, वो समझा यही, अपने दिमाग से नहीं सोचा, उसने समझा यही है, मगर किसने समझा है देखना पड़ेगा। एक बच्चे ने समझा है तो उसकी मान ले, एक लड़के ने समझा है तो उसकी मान ले, एक बेपढ़े लिखे ने समझा है तो उसकी मान ले, या एक आलम वक्त ने समझा है जो आदिल भी है, जो समझने में भी कोताहियां नहीं कर रहा है और जिसे पहुंचाने में कोई रुकावट खड़ी नहीं हो रही है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, ज्यादा हमें कंफ्यूज होने के बजाय राहें निकालना पड़ेंगी। मैंने आपकी खिदमत दर्ज करना चाहा था कि कब्रिस्तान में मजलिस,
ईसाले सवाब की गुफ्तगू के लिए दो पॉइंट हैं जिन पर मैं आपके सामने जितना कह सकूं कहना चाहता हूं। ईसाले सवाब में पहली बात मैंने अर्ज की कि हमारी कोता फिक्री कभी कभी हमें बिलावजे जिन फायदों तक हमें पहुंच सकते हैं उनसे पहुंचना रोक देती है। यही सूरह हम तीन सूरह जो हमने तिलावत किए हैं यही हम सारे मरहूमीन तक पहुंचा सकते हैं, उसी को हम रोक लेते हैं। या फातिहा करते हैं खड़े हो गए उसका सवाब भी रोक दिया, खाना खिलाया उसका सवाब भी महदूद कर दिया। पहली बात ये थी। दूसरी बात जो इस सिलसिले में आप हज़रात की खिदमत पेश करना चाहता हूं वो ये है, जो अल्लाह करे कि मैं आपसे कह सकूं, देखिए हमारे मजहब में मैं बार बार ये बातें मुख्तलिफ मौके पर कहता आया हूं कि मजहब ने हमें जो सिखाया है कि तुम्हें यह करना है वो सारे अच्छे काम है। अब उनकी दो किस्में उसने कर दी है, कुछ वाजिब है मजहब चाहता है इन अच्छाइयों से तो ये महरूम होने ही ना पाए तो करे, ये तो करना ही करना है इसको, और कुछ अच्छाइयां ऐसी है कि अगर हम उसको न भी करें तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हमारा नहीं होता है, करते तो बहुत फायदा होता। नमाज हिशा पढ़ेंगे बेहद असर बेहद सवाब है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, हालांकि उसी सवाब से महरूम होना ही बहुत बड़ा नुकसान है। और खोजा कम्युनिटी में तो बात समझी जाना चाहिए कि फायदे से महरूमी ही को अक्सर नुकसान बहुत नुकसान हो गया। क्या मतलब कम फायदा हुआ, तो कम फायदा होना ही खुद बड़ा नुकसान। खैर चलिए, तो अब ये जो अल्लाह ने जितनी नेकियां रखी हैं उनमें कुछ फायदे हैं और बेहिसाब फायदे हैं, और उनको कुछ को वाजिब किया है और कुछ को मुस्तहब किया है, जहां बहुत फायदा है नुकसान छोड़ने बहुत है वाजिब, जहां छोड़ने में कम फायदा नुकसान है उसको मुस्तहब कर दिया। दो कामों की किस्में हैं। ईसाले सवाब दुनिया के किसी भी उस काम से किया जा सकता है जो अल्लाह ने मेरे ऊपर वाजिब नहीं किया है, मगर जिसके करने में कोई ना कोई अजर सवाब रखा है, यानी मुस्तहब। ईसाले सवाब वाजिब काम से नहीं किया जा सकता, लेकिन ईसाले सवाब के लिए किसी भी मुस्तहब काम को किया जा सकता है। अभी हमारे बुजुर्गों ने जो मसलन कुछ मुअय्यन तारीखें, तीसरी बात ईसाले सवाब के लिए किसी खास वक्त की पाबंदी मजहब की तरफ से नहीं है, किसी खास जगह की पाबंदी मजहब की तरफ से नहीं है, आम है। अगर हमारे जहन महदूद करने के बस यही तरीके हैं जो हमारी सोसाइटी में राइज है, मसलन फातिहा पढ़ना, फातिहा कराना, कुरान की तिलावत करना, सदका करना, जो इस तरह की चीजें हमारे माशरे से यूम 40वां पंजुम 10वां 20वां बरसी देसा, जो भी तरीके हमारे माशरे में इस वक्त इस सिलसिले में राइज है, हम ये न समझे कि बस यही तरीका है। कोई भी कार्य खैर जो मुस्तहब है वो हम ईसाले सवाब के लिए कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। हमारे यहां कभी कभी कुछ दिन आ जाते हैं जिनमें हमारे बुजुर्ग खवातीन और घर के बड़े मना करते, नहीं अब आप अपने बुजुर्ग का फातिहा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मजलिस में कर रहा हूं, मेरे दिमाग में है कि इस मजलिस सवाब मेरे बाबा को पहुंचेगा, चाहे मजलिस इमाम हुसैन के सयुम की हो, चाहे मैंने कहा ना किसी भी अमल का सवाब, बल्कि जितना बड़ा काम उतना बड़ा सवाब। अरबईन की जियारत गया हुए नियाबत की जियारत करते कि नहीं करते, मगर बहुत से हमारे कल्चर है वहां मैं ही नहीं कर आप करने लगे, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे हम लोगों के जहन वादे हो कि यह मजहब नहीं है, यह हमारी सोसाइटी ने इन चीजों को अपने ऊपर ओढ़ लिया है। तो दूसरी बात मैंने अर्ज की कि इस साल सवाब में कोई भी काम कभी भी किया जा सकता है। अभी मुसलसल हमारे पास और हम जैसों के पास इस तरह के सवाल आते रहते हैं कि मौलाना मुहर्रम शुरू हो गया कि हम अपने वालिद का फातिहा नहीं पढ़वा सकते, है कल्चर है हमारा, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, अलग अलग कल्चर से अलग अलग तहजीबें हमारे अंदर मौजूद हैं, हर तहजीब के अंदर किसी भी काम को करने के तरीका थोड़ा से बदल जाता है, नाश्ता कराने से लेके आप हम यूपी के रहने वाले लखनऊ में अवध कहलाता हुआ इलाका बाराबंकी मेरा वतन, उधर एक ईस्टर्न यूपी एक वेस्टर्न यूपी, आप ईस्टर्न यूपी में
लाख प्यासे जाइए गर्मी में, पानी मांगिए, खाली पेट पानी देंगे नहीं जब तक के साथ में मिठाई ना आ जाए। और गुर्बत के दौर में मिठाई कहां गांव मिलती थी, गुड़ भी नहीं ढूंढे मिलता था, और गुड़ वाला ना खिलाना तौहीद, ग्लूकोज बिस्किट तो कम से कम हो। अब हम प्यासे तश्ना बैठे हैं, वहां बिस्किट ढूंढे जा रहे हैं गाँव में, मिलेगा तभी जब बिस्किट आ जाएगा। खैर तजुर्बा तो तजुर्बा ही होता है, हमने पानी पीने के लिए मांगना ही छोड़ दिया। हम गए अगर भैया लोटे में ताला ताला ने पानी ले आओ, हाथ मुंह डाले, बड़ी गर्मी हो रही, पानी आया पी लिया। तो ये जो हमारे इलाकाई रसूम हैं, इलाकाई तरीके हैं, वो उस जगह के तकाजे हैं। गर्मी की शिद्दत में पानी आदमी खाली पेट पिए तो नुकसान हो सकता है, लिहाजा बुजुर्गों ने शुरू किया कि कुछ खिला के पिलाओ, ला के पान रखते नाश्ता कहते पानिया तो पी लीजिए ये हमारे पूरब की जबान, खिलाना है कह रहे पनिया तो पीजिए पहले, पनिया यानी बिस्किट खाइए फिर पानी पीजिए। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारा मजहब, हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है तहजीबों का, ये सारी तहजीबें एक साथ जमा होकर चलती है। लिहाजा ईसा अलैहि सलाम के भी आपके अलग अलग ताल्लुकों में अलग अलग तरीके मिलेंगे, अदादारी की भी अलग अलग तरीके मिलेंगे, सबका हदफ एक ही है लेकिन तरीके अलग अलग होंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरे यहां कोई तरीका राइज है और दूसरी जगह वो नहीं कुछ और हो रहा है, तो उसको हम गलत ना कहें और अपने वाले को अल्लाह के यहां से आया ना समझें। असली बात सिर्फ ये है कि मजहब कहता है कोई भी मुस्तहब काम तुम कर सकते हो, दूसरी बात। तीसरी बात जो शायद हमारे यहां बहुत कम क्लियर है, हम समझते ईसा अलैहि सलाम यानी मरहूम के लिए जो दुनिया से चला गया उसके लिए, जबकि ईसा ने सवाब यानी सवाब पहुंचाने का काम सिर्फ मरहूमीन के लिए ही नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान, जैसे हम किसी जिंदा इंसान को कुछ भी हदीये में दे सकते हैं, कोई पेन दे दे, कोई मोबाइल दे दे, जो एक दूसरे को देते हैं जो मुस्ताब है, उसी तरह से मरहूमीन ही नहीं जिंदा को भी हम जिंदगी ही में अपने किसी भी मुस्तहब काम का सवाब हदिया कर सकते हैं, और वो भी ईसा अलैह सवाब ही है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, दो तीन बातें जो मुझे माशरे में घूमते फिरते टहलते हुए महसूस हुई हैं, मैं उनको वाजे करने कोशिश करता हूं। उसी में जैसे मैंने कहा अभी हमारे यहाँ ईसा अलैहि सलाम की स्कीमें मस्जिदों में, इमामबाड़ों में, मदरसों में आप पैसे डिपॉजिट कर लिए, आपके मरहूमीन की मजलिस होगी, फातिहा पढ़वाई जाएगी। अब कभी कभी वाकई मिंबर पे बैठ जाओ, 10-10 मिनट तक मरहूमीन के नामों की लिस्ट पढ़ी जाती, हमें हालात का जायजा लेके उस हिसाब से अपने अल्लाह ने, मैंने अभी शायद कहना शुरू किया तो रह गया कि परवरदिगार आलम जितनी नेकी हमारे जिम्मे की है उनकी दो किस्में हैं, वाजिब मुस्तहब दोनों, वाजिब हो चाहे मुस्तहब हो, उनमें दो तरह के ड्यूटीज हैं हमारी, वाजिब करना हो या मुस्तहब करना हो। कुछ वाजिब काम है और मुस्तहब काम है जिनका अल्लाह तरीका मुय्यन कर देता है, और कुछ वाजिब और मुस्तहब काम परवरदिगार ने ऐसे रखे हैं कि जिनको तुम्हें करना है हम तरीका मुय्यन नहीं करेंगे, तुम खुद तय करो कैसे करना है। नमाज वाजिब नमाज है, बस तरीका मुय्यन कर दिया, एक सूरा सूरह हम भी, दूसरा जो भी तरीका है, एक रुकू दो सज्दे, अब जो ढांचा मुय्यन किया इसको हम टच नहीं कर सकते, मगर उसी नमाज के अंदर कुनूत के लिए दुआ करना है, अब इस दुआ में उसकी तरफ से कोई तायुन नहीं हुआ कि यही करना है। ठीक है रवायात में वारिद हुआ है कि ये दुआएं मासूमीन करते थे, लेकिन यही तो वहां हमें अख्तियार है, हम अपने शऊर और सलीके से उसमें जो समझे जो हमारी जरूरत हो उस वक्त वो दुआ अख्तियार करें। मैं बात आई वो भी सुना देता हूं, दुआ साल सारी जिंदगी हम खाली मसल रबना आते ना फिर दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़े, बहुत अच्छी दुआ है, जामे तरीन दुआओं में है, इसे हम ढूंढ फोड़ फोड़ के दुआ मांगे तो हमसे मजाने क्या क्या छूटेगा कि ये वाली ये नेकी दे दे, मुझे दौलत दे दे, मुझे रोजी दे दे, मुझे ईमान दे दे, मुझे तकवा दे दे, जिंदगी भर मांगेंगे हमसे छूटेगा जरूर। परवरदिगार आलम ने जामे तरीन दुआ दे दी, हमारे रब आते ना फिर दुनिया हसना, दुनिया में जो अच्छा है वो दे दे। हमसे ये भी गलती होगी कि हम अपने लिए जिसे अच्छा समझेंगे वो अच्छा होगा नहीं, हम समझेंगे पैसा अच्छा है अल्लाह का पैसा आएगा ये फ्रॉड बन जाएगा, इसके इसका ईमान बचाना तो इसे गरीब रखना है,
हम समझेंगे मेरी औलाद अच्छी है, हम औलाद मांगेंगे, और अल्लाह जानता है कि अगर इस औलाद मिल जाएगी तो मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत इसे लुटेरा बना देगी, अभी बहुत ईमानदार है, मगर औलाद के चक्कर में औकात पे कमजा शुरू कर देगा, गुल्लक पे हाथ मारना शुरू कर देगा, खाना कमाना औलाद के लिए बचाना शुरू कर देगा, खुश निकालना छोड़ देगा, औलाद की मोहब्बत इसे तबाह कर देगी। तो बेहतरीन जामे तरीन दुआ है कि परवरदिगार हमें दुनिया में जो तेरी निगाह में अच्छा है वो हमें दे दे, और फिर वह फिर आखिरत हसना, और आखिरत में भी मैं क्यों मांगू कि मुझे कौसर चाहिए कि सलसबील चाहिए कि हूर और गिलमान चाहिए कि सेब और संतरा चाहिए, जो तेरी निगाह में आखिरत मेरे लिए अच्छा है वो मुझे दे दे। तो जामे तरीन दुआ तो है, मगर फिर भी आदमी के हालात बदलते हैं तो अल्लाह ने वहां मुअय्यन नहीं कर दिया, मुअय्यन कौन सी दुआ कर दी, फिर वही जामे कुनूत में भी यही पढ़ना वाजिब नहीं है, मुस्तहबात में है, रवायात में वारिद हुई है, लेकिन जो दुआ पाबंदी से करना ही करना है वो कौन सी है, सूरह हम दावा पढ़ते, सूरह हम में जो दुआ थी उसमें क्या है, एक दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला, और सीधा रास्ता भी किनका, जिन पर तेरी नेमतें नादिल है हुई हैं, तो वहां मुअय्यन कर दिया कि तुम्हें ये तो इतना तो तुम्हें करना ही करना, बाकी छूट दे दी, खैर मिसालों में वह बहुत निकल जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि मजहब ने दो तरह की नेकियां हमारे जिम्मे रखी हैं, कुछ नेकियां वो हैं कि जिनका तरीका मुअय्यन कर दिया, कुछ तरीके नेकियों का तरीका मुअय्यन नहीं किया है, ताकि ये मजहब हमारा इसमें लचीलापन रहे और हालात जमाना पर फिट होता रहे। उसने तो वाजिबात को भी इस हिसाब से तब्दील कर दिया है कि जो जमाने का हालात के तकाजे हो उसको उसे तुम अमल कर सको, चार रकत को दो रकत से बदल देता है, रोजा रखना वाजिब है सफर में हराम कर देता है, तो फ्लेक्सिबल बनाया मजहब को, इसलिए उसने ज्यादातर अहकाम तवज्जो दे। मैं एक अहम बात मजहब की कहना चाहता हूं जिसे हम महसूस करें, कद्र करें, कि ज्यादातर नेकियां चाहे वाजिब हो चाहे मुस्ताहब हो, अल्लाह ने उनका तरीका मुअय्यन नहीं किया है, हमारी अक्ल, हमारे ईमान, हमारे शऊर, हमारी बसीरत, हमारी दीन की समझ, हमारी मारिफत के ऊपर छोड़ा है कि तुम्हें यह काम करना है, अब करो वैसे जो उस जमाने में मुमकिन हो। बहुत मिसालें मैं देता भी रहता हूं, इमामबाड़े में, मस्जिद में, जनाजे के पास, जहां जहां रोशनी का हुक्म है, अलबत्ता हमने वो हुक्म फैला दिया, मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कब्रों के ऊपर रोशनी की जाए, कब्रों के ऊपर फूल डाले जाएं, कब्रों के ऊपर खुशबू चलाई जाए। रिवायत तो ये कहती है कि कब्रों के अंदर की फिक्र करो, कब्रों के ऊपर के लिए कुछ इस तरह की चीजें नहीं आई है, लेकिन अब हम गुजर के आए हैं ना 14 सदियों में, ननाने किस किस कल्चर से गुजरे, किस किस मुल्क से गुजरे, किस किस कौम से गुजरे, किस किस माहौल से गुजरे, किस किस धर्म से गुजरे, किस किस दीन से गुजरे, किस किस मजहब से गुजरे, तो जहां से गुजरे वहां से कुछ तो साथ आ ही जाएगा। अगर हवा भी चलती है तो जहां चलती है दरमियान में खुशबू भी उठाती है, बदबू भी आ जाती है, पानी भी निकलता है गंगा जी का, खालिश होता है, लेकिन जब गुजरता है तो वही काली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, कहीं पॉल्यूशन, कहीं गंदगी, वो सब मिल जाते हैं। तो हम गुजरते हुए तो आए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गुजरने में बहुत कुछ मिल गया है, उस मिलावट को हम अपने अकल से, अल्लाह के दिए हुए अकल से, मजहब के दिए हुए इल्म से, मजहब के दिए हुए शऊर से पहचाने कि ये रास्ते में आ गया है, ये असली है। मैं मुखालिफत नहीं कर रहा, हराम नहीं कह रहा, बड़ी मुश्किल हो गई, मैं बार बार इसका भी फरियादी होता हूं, मिंबर से एक बात कही जाती है, हर बात का मतलब निकालने के लिए उससे पहले और उसके बाद की बात का सामने आना जरूरी होता है, जिसे कहते हैं सियाको सबाक, पीछे क्या कहा गया है आगे क्या कहा गया है। लेकिन आज एक और मुसीबत आ गई है कि किसी की बात समझे या नहीं समझे, हो सकता ना समझो, काट के एक टुकड़ा लगा दिया जाता है। अब मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, कल शायद सफी साहब ने कहा कब्रों में फूल चढ़ाना, मना किया कब्रों में फूल चढ़ाने से, मना किया शमा जलाने से, मना किया अगरबत्ती जलाने से, नहीं मना नहीं कर रहा हरगिज, मैं आपको मुतवज्जे कर रहा हूं कि जो एफर्ट्स करें उन एफर्ट्स में वो करें जो ज्यादा नतीजा दे, कब्रिस्तान में रोशनी हो ताकि आने वाले को सहूलत हो, इस नियत से करें तो बेहतरीन सवाब का जरिया। लेकिन कब्र पे हम शमा जला रहे हैं
पे इसका कोई हुक्म नहीं है, अल्लाह की तरफ से इसका कोई हुक्म अब तक इस हकीर की निगाह से नहीं गुजरा है। अगर कहीं मिल जाए किसी को तो बता देगा। बहरहाल ये मौजूद ही नहीं, मौजूद पर जब मैं गुफ्तगू करता हूं तो हो जाता है कि ये तो हमेशा इख्तलाफी बातें करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि दीन को हम समझ के करें, दीन को हम समझ के करें, हमारे एफर्ट्स इधर उधर न जाएं। यही शमा के पैसे जो हमने कब्रों पर जलाने पर खर्च किए हैं, इसी शमा के 20 रुपए 50 रुपये अगरबत्ती के 100 रुपए को ले जाके किसी के हवाले कर दे चुपके से, एक वक्त का खाना वो खा ले, तो इससे जितनी खुशबू कब्र में जाने वाली है ये ऊपर की अगरबत्ती की जाने वाली नहीं है। अच्छा चलिए, अब आपने सुभान अल्लाह कह दिया तो सलावात भी भेज दी है। इतने लोग बैठ गए यहां भी सामने आगे और पीछे वालों भी सलवात पे पाबंदी थोड़ी, यहां सुबह तक सलवात की आवाज सुनाई दे। तरीके मुअय्यन अक्सर नेकियों के अल्लाह ने नहीं किए हैं, ये चीजें मजहब से अहकाम को देख के कुछ इख्तियार कर ली गई। मसलन कुरान मजीद की तिलावत का हुक्म है, अब कुरान मजीद की तिलावत अगर कोई नॉर्मल स्पीड से भी करता है तो मेरे जैसे इंसान को एक पारे में 20 मिनट से कम तो नहीं लगते। और जरा और जो रिवाज जो सलीके तिलावत बताया गया अगर वैसे करें, अब यहां भी वही मजहब कुछ कह रहा हम कुछ करते हैं। रमजान में तिलावत का सवाब बहुत है, अब हमारे दिमागों में बैठ गया कि पता नहीं रवायत तो मैंने आज तक नहीं पढ़ी। मशहूर यही है कि अगर रमजान में कुरान पढ़ना शुरू करो तो उसे खत्म भी करो, अगर खत्म नहीं करोगे तो तुम फिर साल भर महरूम रहोगे। ऐसा कुछ रवायतों में नहीं, बल्कि हमारी अगर नियति है कि इतना पढ़ना है मुझे, सूरह यासीन पढ़ने बैठे तो पूरा जरूर पढ़ेंगे, चाहे मजलिस कितनी देर हो जाए, चाहे मजलिस कितनी देर में शुरू हुई। हमारा प्रोटोकॉल तो यह है कि अब सूरह यासीन तो पढ़ा जाएगा, हदीस की किताब फिर वही कहेगा नहीं तेरा मुखालिफत कर रहा, आप भी कहने लगे सूरह मैं कुछ नहीं मुखालिफत कर रहा, फिर सुनिए क्या कहना चाहता हूं। मजहब ने फ्लेक्सिबल, वाजिबात के अलावा फ्लेक्सिबल है, हम तिलावत करते इतना पढ़ेंगे। तिलावत का की तहजीब हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिलावत करने बैठो तो जो तुम्हारी तहजीब कल्चर है, प्रोटोकॉल है तिलावत का, उस प्रोटोकॉल में एक एक यह है कि ला यकूनो हम मुकुम आखिरत सूरा, पढ़ने बैठो तो तुम्हारा इरादा यह ना हो कि मुझे यह सूरा तो पूरा करना ही है, फिर क्या करूं पैगंबर, तो उतनी देर करो जितनी देर दिल लगे। अब सुनिए मौला अली का जुमला, मौला अली का जुमला सुनिए, फरमाया नफ्स के लिए, इंसानी नफ्स के लिए जो मैं हूं ना मैं, ये नफ्स जो है इसके दो हालतें हैं, नेकियों की तरफ कभी दिल लगता है और कभी उचट जाता है, दिल नहीं लगता, नमाज है वाजिब में भी दिल नहीं लग रहा, और कभी कभी ये पोजीशन है कि लाओ नाफिले मगरिबी पढ़ ले, नाफिले इशा पढ़ ले, लाओ नमाज शब भी पढ़ ले, दोनों होते हैं। हमारे जैसे बदनसीबों पर ये वाला नहीं आता, वही वाला रहता है, उचाट दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, मगर है दोनों किस्में, दिल लगता भी है और दिल नहीं भी लगता है। जब दिल ना लगे तो उस माहौल तक खुद को पहुंचाना चाहिए जहां दूसरों का दिल लगा है। तो मैं जुमला हल्का से नहीं कहा, जब हमारी हमारा दिल नहीं लग रहा नमाज में तो हम मस्जिद चले जाएं, माहौल बहुत मुतासिर करता है। खैर, तो इंसान के लिए इकबाल और इदबार, आगे बढ़ने का ललक का दौर होता है और एक पीछे हटने का, दिल नहीं लग रहा। तो इमाम ने फरमाया मौला अली ने कि जब दिल लगे तो खूब जम के वाजिबात के साथ मुस्तहब्बात को भी अंजाम दो, लेकिन जब दिल ना लगे तो अपने साथ जबरदस्ती ना करो कि नहीं ये तो मैं रोज पढ़ता हूं पढ़ूंगा जरूर, करके पढ़ के सूरह यासीन हो जाए, आदत है मेरी पढ़ूंगा जरूर। एक जुमला बुजुर्गों का है, हो सकता है रवायत से उठाया गया हो कि अपनी इबादत को आदत ना बनाओ, हम आदत के आदि हो जाते हैं, इबादत के बजाय आदत हो जाती है। तो दिल ना लगे तो जबरदस्ती ना करो। अरे एक हकीर सा तजुर्बा आपकी खिदमत दर्ज कर लेता हूं, मैंने कहा ना इदबार और इकबाल दोनों कैफियत इंसान पे आती, कभी मुस्तहबात में दिल लगता है, कभी वाजिबात भी उठे उठते रहते हैं,
का उठते रहो तब भी वाजिब ना छोड़ना, वाजिब में लगे रहो। यही उठती तबीयत में वाजिबात का करते रहना वहां तक ले आता है कि आदमी फिर मुस्ताहबात में दिल लगने लगे। मैं साहब गोई से अपनी बात, मेरा दिल कभी कभी नहीं दिल लगता भाई, नहीं नमाज सब में दिल नहीं लग रहा, जबरदस्ती अपने साथ कर रहे हैं, नहीं उठे नहीं पड़ी, एक दो दिन रात में 2 बजे सोए नहीं उठा जा रहा, कसम आते हुए नहीं उठे नहीं पड़ी, 2-4 दिन न पड़िए, यही जो दिल नहीं लगने दे रहा तब नफ्स लवामा एक्टर होना एक्टिंग शुरू कर एक्टिव हो जाता है। अरे नालायक बुढ़े हो गए नमाज सर नहीं पढ़ते, अब भी सोते रहते हो नहीं उठते, कब तक ये करते रहोगे। छूट जाए तो जबरदस्ती ना कीजिए, खुद नफ्स लवामा एक्टिव होकर दोबारा वापस ले आता है। तो खैर हमारे यहां तिलावत क्या है, क्या आखिर तक पढ़ना, आदाब तिलावत क्या है, जो मासूमीन के हिदायत की रोशनी में है कि समझ समझ के पढ़ो, 100 आयतें फर्राटे से पढ़ के चले गए कुछ समझे बगैर, और 1 आयत समझ के पढ़ ली, कदम कदम पे अफला तफक्करून है, गौर क्यों नहीं करते, अकल क्यों नहीं लगाते, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, कहीं पूरे कुरान में नहीं आया कि क्यों ज्यादा नहीं पढ़ते, क्यों ज्यादा नहीं पढ़ते, क्यों बहुत तिलावत नहीं करते, कहीं नहीं आया। अल्लाह यकूनो हम मुकुम आखिरत सूरा, मैं सच्चाइयां आपके हाथ में पर्च करता हूं, दुआ है वो हम सब समझे शिमाली, माह रमजान की बेहतरीन दुआ है, शबे शबाह रमजान में शहर के वक्त की सैयद सज्जाद की अता की हुई दुआ कुमैल, रोजमर्रा की जिंदगी मुनाजात शाबानिया है, तो शाबान में अहले बैत अलैहिस्सलाम से, लेकिन हमारे तमाम जो साहिबान इरफान उलमा उन सब ने नसीहत की है कि शाबान से मंजूर न रखना, इसको पढ़ते रहो, ये थोड़ा तूला नहीं दुआ है। अब रमजान में अलग अलग हालात होते हैं, छोटी रातें हैं, देर में सोए, दर्दी कसलमंदी, अब जबरदस्ती दुआ अगर हमजा समाली को पढ़े तो अरे इतनी पढ़ना पड़ा कि छोड़ दिया, लेकिन थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहो, ये थोड़ी थोड़ी पढ़ना ही पूरी पढ़ने तक पहुंचा देता है। तो हुक्म दिया गया कि पढ़ो तो गौर करो, कुरान मजीद तिलावत करो तो गौर करके पढ़ो, और मुसलसल देखते रहो कि क्या आया है, अगर उसमें कोई जन्नत का जिक्र है तो रुक जाओ अपने लिए दुआ मांगो जन्नत की, जहन्नम का जिक्र है तो रुक जाओ अपने लिए जहन्नम से अजाब के नजात की दुआ मांगो, किसी नेकी का जिक्र है तो रुक जाओ उस नेकी को अपने लिए अल्लाह से तलब करो, किसी गुनाह का जिक्र है तो रुक जाओ उस गुनाह से दूरी को अपने लिए तलब करो। ये क्वालिटी वाला अमल इस्लाम में ज्यादा ऊंचा है, क्वांटिटी की उतनी अहमियत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि मसलन हमारे इस साहब तरीकों में एक राय तरीका है कि 1 बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तलावत कर दें, यह भी हमारे बुजुर्गों ने अपनी समझदारी से निकाला है। हमें पूरा कुरान पढ़ना हो तो कम से कम मसलन 15 घंटे लगेंगे, लेकिन रवायात में कि अगर आदमी 1 बार सूरह हम्द पढ़ता है तो उसे 1 पूरे कुरान की तिलावत का अज्र मिलता है, और 1 बार सूरह तौहीद पढ़ता है तो कुरान मजीद के 1/3 तीसरे हिस्से के तिलावत का सवाब मिलता है। तो 3 बार सूरह तौहीद अगर पढ़ी जाए और 1 बार सूरह हम तो 2 कुरान जैसे पढ़े हों, इतना अजर सवाब मिल जाता है। लिहाजा हमारे बुजुर्गों ने जब कम वक्त हो तो उस वक्त ये तरीका निकाला कि सूरह फातिहा, ये जिसे कहते हैं फातिहा मरहूमीन के लिए पढ़ दिए, सूरह हम 3 बार तौहीद, इसलिए ये हमारे दरमियान राइज है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि बस यही तरीके तिलावत इस है, कुरान मजीद की कोई आयत कोई सूरा कितना भी कभी भी कहीं भी बैठ के पढ़ा जा सकता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बल्कि कभी कभी मेरे ख्याल में तो करना चाहिए, आदमी अगर दोहराए ना तो भूल जाता है, बचपन में जितने सूरे याद किए थे आगे पीछे कभी पढ़ना ही चाहिए, कुछ नहीं गाड़ी चला रहे हैं, जितने सूरे याद है पढ़े चले जाइए, इसाले सवाब भी होता चला। यहीं पे एक बात और अर्ज कर दूं, हमारे यहां मसाइल मैं इसे इलाके को तो नहीं जानता, लेकिन जब हम फातिहे के बुलाए जाते हैं तो वहां पीछे से पर्चा आता है 40वें में, इनके लिए इतने कुरान पढ़े गए, इनके लिए इतनी हदीस किस्सा पढ़ी गई, इतनी सलावात भेजी गई। अब वो अलग अलग पुराने जमाने में सन गिनती करना नहीं आती थी लोगों को, कैलकुलेटर भी नहीं था, तस्बीह भी नहीं इस्तेमाल करते थे, तो ला के चने रख दिए कि इस पर गिन के पढ़ो। अब वो चने गिनती करने के हजारों तरीके ही याद हो गए, अभी तक चने पढ़े जा रहे हैं, माफ करेंगे मैं बातें कहने मजबूर हूं, चने में पढ़ने का कोई हुक्म नहीं है, पानी में गुलाब ने पता नहीं कहा फूल ला के डाल दिया उस पर पढ़ा जा रहा, अब मुझे नहीं पता ये कब क्या हुआ, लेकिन अब यह करना चाहता हूं कि जो
इलाकों से गुजरते हुए उस वक्त रोशनी का हुक्म, जिसकी मिसाल मैंने देना चाहिए, इतनी बात फैल गई, रोशनी का हुक्म है। कब्रों पर रोशनी नहीं, मस्जिदों में रोशनी, रोजों पर रोशनी, जहां जहां रोशनी का हुक्म है उसमें है मैयत और जनाजे के पास रोशनी, कब्र पर रोशनी नहीं, जहां जनाजा रखा हो वहां रोशनी, और उसका दुनियावी वजह भी बिल्कुल सामने की है कि रोशनी होगी तो सब निगरानी रहेगी, कीड़े मकोड़े ना आएंगे, बिल्कुल सामने दुनियावी वजह तो है ही है। अब उसके अलावा और जो अल्लाह की तरफ से हिकमतें और करम है वो अलग चीजें। तो जनाजे के पास रोशनी का हुक्म है, न कि कब्र पे रोशनी का हुक्म। अब हमने समझ लिया कि कब्र पे रोशनी, कब्र के अंदर रोशनी करना है, तो रोशनी का हुक्म है। रोशनी का हुक्म का मतलब मोमबत्ती या चराग नहीं है, खुशबू के हुक्म का मतलब अगरबत्ती या लोबान नहीं है। खुशबू मतलब खुशबू, जो तुम्हारे जमाने में खुशबू है वो खुशबू, जो तुम्हारे जमाने में रोशनी है वो रोशनी। अब यहां इतनी शानदार लाइटें लगी हुई, अब मैं मस्जिद में लाके अगर मैं मोमबत्ती जला के मस्जिद की दीवार सियाह करूं तो सवाब की उम्मीद में कहीं खुदा ना करे मस्जिद को डैमेज करने का गुनाह ना मोल लूं। लगा हमारे अंदर शबूर होना चाहिए, हम दरगाहों पर ले जाके मोमबत्तियां इतनी जला देते हैं कि उसके मोम फैल के मुंतजमीन को कोशिशें करना पड़ती हैं बचाने की, लेकिन हमारे अंदर इतना शऊर होना चाहिए कि हम ये खिदमत करने आए हैं तो कैसे करें। जाइए जो असल मशाहिद मुकद्दसा हैं, जहां करबला और नजफ में, क्या वहां ये सब हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए कि वहां बाशऊर उलमा की किसी हद तक निगरानी भी है और उनकी बात किसी हद तक सुनी भी जा रही है। यहां मसला यही है कि ना निगरानी तो कोई है ही नहीं, और अगर कोई अपने दो हर्फ बताना चाहता है तो उसके खिलाफ ही आवाज खड़ी हो जाती। खैर, मिलजुल के सलावत भेजे मोहम्मद वाले बस मैं काफी ले लिया। मैंने ईसा अलैहि सलाम की बातें थी, दो तीन बातें कह दी। दूसरी बात थी कब्रिस्तान में रखा जाना, तो मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि रवायात कसरत से इस बात को बताती है कि ये जो कब्रों में दफन है इनका सिलसिला हमसे टूटा नहीं है। हम नाज और नियम में उन्हीं की छोड़ी मीरास में जब बिगड़ने लगते हैं तब खास करके, वरना हर हाल में वो आके कहते हैं कल हमारा था, हम जो कर रहे थे बात तुम मजे कर रहे हो, कल भी तुम्हारा भी यही कलाश होने वाला है। रिश्ता नहीं टूटता है, उनकी रूहें हम तक पहुंचती हैं। अब कब पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती हैं, वो जुजियात रिवायात से समझ में तो आते हैं लेकिन कतई तौर पर तय कर पाना मुमकिन नहीं है। और मैं फिर एक सराहत कर दूं कि बहुत से मामलात में बस ये इजमाल, इसे इल्म इजमाली कहते हैं, मैं थोड़ा गाढ़ा से लग बोल रहा हूं, एक होता है डिटेल नॉलेज, एक होता है कि बस नॉलेज है। डिटेल का उल्टा इंग्लिश में क्या होगा मुझे नहीं याद आता, बहुत क्लियर नहीं है। मसलन हमने देखा है दुबला पतला सा आदमी कांपता हुआ जा रहा है, इतना तो हम समझ गए बीमार है, इतना तो मुझे भी यकीन हो गया, लेकिन बीमार क्या है हमें नहीं पता। तो दो चीजें होती हैं, एक इल्म इजमाली और एक इल्म तफसीली। हर मामले में मजहब ने हमको तफसील के इल्म की जिम्मेदारी ही नहीं दी है। हम अक्सर तफसील में जाके इल्म हासिल करना चाहते हैं। रजात होगी, यानी कबल कयामत जो दुनिया से चले गए हैं उनकी वापसी होगी। अब ये यकीनी अकायद में है मजहब के, इस्नाशरी मजहब के रजत है, इजमाली इल्म है हमको। अब इसकी तफसील के कौन कौन वापस आएगा, क्या सब वापस आएंगे, कुछ खास लोग अच्छे वापस आएंगे, बुरे अच्छे तो कौन से अच्छे, बुरे तो कौन से बुरे, इन जुजियात को मजहब हमारा बहुत मजलूम मजहब है, गुजरा है। मासूमीन ने बताया हम तक बहुत कुछ पहुंचा नहीं है, उन्होंने सिखाया भी तो हम तक नहीं पहुंचा, या उन्हें ही मौका नहीं मिला कि तफसीलात बताएं। लिहाजा हमें बहुत तफसीलात में जाके ना खुद उलझनों का शिकार होना चाहिए ना दूसरों को उलझनों का शिकार करना चाहिए। इजमाली इल्म के हम इतना जानते हैं, इतना काफी, रजत का अकीदा रखते हैं। अब कैसे होगी, किसकी होगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इन जुजियात में जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से बहुत सी चीजें इजमाली हैं, हमारा रूहों से राबता कैसा है, मरहूमिन से राबता कैसा है, वो कब आते हैं कैसे आते हैं हमें नहीं पता। ये यकीनी है मसलन कि जहां जिक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम होगा वहां मलाइका आते हैं, जहां इनका जिक्र होगा वहां मोहम्मद मुस्तफा हजरत पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور اہل بیت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. یہ علم ہے یقینی مرحلوں میں ہے. روایات اہل بیت کے سارے آیت اللہ العظمہ خوئی جیسے عظیم محقق نے کہا کہ جو روایات یہ بات پہنچاتی ہیں وہ بڑی تعداد میں ہے اور معتبر ہیں, جس سے یقین ہے اطمینان ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں. لیکن اب وہ کیسے آتے ہیں, وہ کس صورت میں ہر جگہ پہنچتے ہیں, لاکھوں کروڑوں مجلسیں ہو رہی ہیں. یا مثلا مولا علی قصاب ارشاد نجم البلاغہ میں طے شدہ بات ہے کہ ہر پڑھنے والے سرارت مدتے کیسے پہنچتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم, کافی ہے. اب اس کے جزیات کو ہم طے کریں, ان میں الجھیں اور جا کے پھر نئی نئی بحثیں کھڑے ہوں اور پھر ہمارے اندر نظریات اور تفریقے پیدا ہونے لگے, تو کہیں کہیں ہمیں صرف علم اجمالی پہ توجہ دینا چاہیے. روحوں سے ہمارا رشتہ ہے, جانے والے مرے نہیں ہیں. مرے کا مطلب یہ ہے کہ مٹے نہیں ہیں, ہیں کیسے ہیں, عالم برزخ ہے, عالم برزخ یا جنت جیسی زندگی ہے یا جہنم جیسی, مگر نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, ایک اور پرمانٹ نہیں ہے. جنت و جہنم خالدینہ فیہا ہے, لیکن برزخ کا ما خدا نخواستہ اگر جہنم جیسا ہے تو رہ جانے والے جنت جیسا بنا سکتے ہیں, اور اگر جنت جیسا ہے تو رہ جانے والے جنت کی کوالٹی کو, جنت جیسے کو اور زیادہ جنت جیسا بنا سکتے ہیں. لہذا ہمارا روحوں کا, ہمارے مرحومین کا رشتہ مستقل برقرار ہے. وہ ہمارے گھر آتے ہیں, وہ ہمیں دیکھتے ہیں, کس کے لیے کتنی چھوٹ ہے, وہ سب چیزیں جزیات کی, لیکن اس میں ایک طے شدہ بات ہے کہ چاہے وہ نہ آ پائیں ہمارے پاس, اعمال کے اوپر ہے کس کو کتنی آزادی ملی ہے, والد سلام کے کس گریڈ میں ہے, کون بالکل آزاد ہے, کون کبھی کبھی چھوٹتا ہے, مختلف بے حساب تفصیلات ہیں. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ قبروں میں ہمارا انتظار, قبر میں روح نہیں, ہم سوچتے قبر میں جسم فنا ہو گیا اور روح تو والد السلام چلی گئی, معاذ اللہ وادی مربوط گئی ہے, اللہ محفوظ رکھے اس سے, تو یہاں تو کچھ نہیں ہے. لیکن جزیات میں نہ جائیے, مذہب سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے. ہم نے عقل سے مذہب کو مانا تھا, اللہ کو مانا, اللہ کی عدالت کو مانا, اللہ کے علم کو مانا, اللہ قدرت کو مانا, اللہ کی رحمت کو مانا, یہ سب ہمیں قرآن پڑھ کے نہیں مانا, اپنی عقل سے مانا. رسالت کو, امامت کو, قیامت کو, سب کو عقل سے مانا. قیامت بھی اس لیے نہیں مانی ہم نے کیا قیامت ہوگی قرآن میں لکھا ہے, نہیں, عقل کا تقاضا بھی سن اس کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے. عقل کہتی ہے کہ قیامت ہونا چاہیے, حساب و کتاب کا ٹھکانا ہونا چاہیے, لیکن اس میں جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے کہ روح, اب یہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن کہتا ہے جسم کے ساتھ. اسی میں یہ بھی معاملہ ہے کہ برزخ میں زندہ ہے یا برزخ, کی ساری باتیں مذہب نے بتائی, عقل کی بتائی نہیں, مذہب کی بتائی ہے. مذہب یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے, وہ انتظار کرتے ہیں. لالا ہم کہیں سے بھی کبھی بھی سال ثواب کر سکتے ہیں, وہ ایک طریقہ ہے, لیکن جتنا ہمارے لیے ممکن ہو قبروں پر حاضری کا سلسلہ ہونا چاہیے. اگر اس وقت سال ثواب کی مجالس کی گئی ہیں تو اس قبرستان کی روحوں کو یقیناً یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس وقت ہمارے چاہنے والے کچھ ہمارے زیادہ نزدیک آ گئے ہیں. لہٰذا اس سلسلے کو بھی انشاءاللہ برقرار رکھا جانا چاہیے. ایک صلوات مل جل کے بیت دے محمد والے محمد مسلمان کو. میں نے جو آیت پڑھی تھی بس اس کا ترجمہ کر دوں کہ الحاکم التکاثر, انسانی کمزوریوں میں سے کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا, جس کا لیے لفظ استعمال ہوا قرآن میں تکاثر. تکاثر کے دو مطلب ہیں, ایک ہے ایک دوسرے سے دنیا کی چیزوں میں مقابلہ کرنا, تمہارے پاس زیادہ پیسہ کہ ہمارے پاس, تمہارے گھر کی گنتی بڑی کہ ہمارے. اس زمانے میں جس زمانے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں قبیلے قبیلوں کو مقابلہ کرتے تھے, گنتیاں کرتے تھے, ہمارے ہاں اتنے مرد اتنے لڑاکو. تو ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اسی بحث میں لوگ قبرستانوں تک پہنچ گئے کہ دیکھو اتنی قبریں ہماری, ہم زیادہ ہیں. اور دوسری اس کی تصریح ہے کہ تکاثر مطلب مقابلے بازی, جو ہماری بہت بڑی بیماری ہے, ہم ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں, پیسے کا مقابلہ, گاڑیوں کے ماڈلوں کا مقابلہ, کپڑوں کا مقابلہ, خاندان کا مقابلہ, شکل و صورت کا مقابلہ, دنیا کی نہ جانے کتنی چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. اللہ نے مقابلہ رکھا ہے مگر ہر چیز میں نہیں رکھا ہے, اللہ نے مقابلہ رکھا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکیوں کی طرف جانے میں دوڑ لگاؤ, دوسرے سے آگے نکلو, دوسرے کو پیچھے نہ کرو, خود آگے نکلو. لیکن ہمارے یہاں مقابلے, ہر چیز کے مقابلے ہیں. تو ایک تفسیر اس کے بیان کی گئی کہ وہ اس وقت وہ لوگ کر رہے تھے, لیکن دوسری تفسیر جو پورے دنیا پر
हमेशा साबित आती रहेगी यह है कि तुम इतना लग गए बढ़ाने में, कसरत, तुम दुनिया कमाने में, नाम कमाने में, शोहरत कमाने में, इख्तदार कमाने में, पैसा कमाने में, मोहब्बतें कमाने में, जिस दुनिया की किसी चीज कमाने में, उसकी कसरत में, उसके बढ़ाने में इतना लग गए कि अल्हाकुम, तुम्हें ये दुनिया कमाने और बढ़ाने के चक्कर ने इतना उलझा लिया कि तुम अल्लाह की तरफ से बेपरवाह हो गए। अल्हाकुम लह, हर उस चीज को कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से इंसान को अपनी ड्यूटी की तरफ से, अपने फरीजे की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, वाजिबात की तरफ से, हुकूक की तरफ से अलग करे। लह वो लाइब, दो लफ्ज आते हैं, लाइब वो खेल वाली चीज है, कुछ भी जो खेला जाता है, वो क्रिकेट से लेके जुए तक कुछ भी हो सकता है अगर अल्लाह से दूर करे तो हराम, कुछ तो मुस्तकिल हराम है जो अल्लाह से दूर करने के लिए ही वजूद में, जैसे जुए की चीज है। लेकिन अगर क्रिकेट खाली कमेंट्री बैठ के सुनने की दीवानगी इतनी है कि इस वक्त तो वो जो भी क्रिकेट के मैच होते हैं क्या कहलाते हैं, वो जो नए वाले आ गए, पहले मुल्कों मुल्कों के बीच में होते थे, अब खरीदे हुए गुलामों के बीच में होते हैं, आईपीएल, अब साहब ये सेमीफाइनल है और ये फाइनल है और नमाज मगरिब है, वो तो पढ़ लेंगे, ये तो नहीं। अब मैं यही कहूं कि वो कहते हैं कि इसकी कजा नहीं उसकी कजा है, ये तो निकल गया, हालांकि वो भी रिकॉर्ड में नहीं फिरते आप, तो ये क्या है, ये लैब है। लह वो है कि जिसमें खेल ना ही मगर लगे इतना कि अल्लाह से दूर हो गए, दुकान ही खोले बैठे, दुकान भी बंद नहीं होती, नमाज के वक्त भी बंद नहीं होती, नमाज चली जाए दुकान नहीं बंद होगी, काम कर रहे हैं, लगो नहीं है, लह नहीं, खेल नहीं है, लेकिन लह है जो भी अल्लाह से लापरवाह कर दे। तो कुरान मजीद कहता है कि अल्हाक मुत्तकासुर, कसरत के हुसूल की कोशिश ने, कमाना जोड़ना बढ़ाने की जोर ने तुमको अल्लाह से दूर कर दिया, और अब उसका इलाज सिर्फ यह है कि तुम कब्रिस्तानों तक खुद को पहुंचाओ। ये दो तफसीलें आयत की हैं, एक एक तो मुकाबलेबाजी में लगे, तो मुकाबले में अपनी गिनती करते पहुंच गए, देखो मेरे घर के लोग ज्यादा हैं ये कब्रें जोड़ के, और दूसरी तफसीर ये है, दोनों तफसीलें आई हैं और दोनों मुमकिन हो सकती है, इसलिए अल्लाह के कलाम की यही है कि आप जितना समझते जाइए उसके उतने मतलब निकलते चले जाएंगे। तो हमें कब्रिस्तानों की तरफ रुख करके अपना रखना चाहिए, और अच्छी आदत है बहुत सी, हमने इस शहर में खासकर देखा है कि कम अज कम शबाए जुमा खुसूसियत से तवज्जो देकर कब्रिस्तानों तक आते हैं, मगर वहां भी शैतान अपना काम करता है, कब्रों में जनाजे रखे जाते हैं और हम खड़े हुए गप लड़ा रहे होते हैं, कम से कम उतनी देर तक दिमाग को घुमा घुमा के उस कब्र तक लाने की कोशिश करना चाहिए जिसमें वो जा रहा है और हम किसी वक्त भेजे जाएंगे। बस मैंने बहुत बातें आपकी खिदमत में कर ली, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार मैंने जिस नेक नियति से बातें कही हैं उसी नेक नियति से बातें सुनी भी जाएं, समझी भी जाएं, और हम सब के दिलों पर एक दूसरों की अच्छी बातों का असर करने और उसे कबूल करने की तौफीक और सलाहियत इनायत फरमा। करबला में दो तरह के लोग थे, कुछ हर अच्छी बात को इंतजार करना तो दूर इशारों को समझने वाले, और कुछ वो कि जिन्हें हुसैन समझा रहे थे और फिर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आशूर के हंगाम असर के करीब सैयदुश्शुहदा ने अब जो खुतबा दिया है तो अपनी जान बचाने के लिए नहीं है, अब ये क्या करेंगे जी के, अब्बास इनका मारा जा चुका, अकबर के कलेजे से बर्छी निकाल चुके, कासिम के टुकड़ों को समेट के ला चुके, बचपन के चहने वाले शायदाई दोस्त जो आंखों में कदमों की खाक उठा के लगाता था, उस हबीब की लाश भी उठा चुके हैं, बूढ़े चाहने वाले मुस्लिम इब्ने औसजा के जनाजे को भी ला चुके, अब ये जी के क्या करेंगे, इनके दोस्त तो गली कह रहे थे आपके बाद हम जी के क्या करेंगे, अब ये जी के क्या करेंगे। इन्होंने साफ साफ मर्सिया पड़ा है, जब अकबर के आवाज आई बाबा आखिरी सलाम, तो जो गुफ्तगू जवाब के फिक्रे आए हैं उनमें फिक्रा यह था, यही था, या बुनैया बादकल अफा, बेटा तेरी आम मौत की खबर ने बिनाई छीन ली है, अब तेरे बाद जी के क्या करेंगे, इस जिंदगी पर खाक हो,
मगर वही हुसैन फिर कर्बला में आके खड़ा हुआ, हमारे खून से अपने हाथ रंगीन न करो, ये अपनी जान बचाने नहीं आए थे, ये आए थे कि अब भी अगर कोई गुंजाइश हो तो इनमें से कोई हुर बन के निकल आए, कितना बड़ा कलेजा है मेरे आका का। मौला ये इब्ने अब्बास के कातिल है, अकबर के कातिल है, कासिम के कातिल है, फिर भी तुम गुंजाइश दे रहे हो अब भी कोई हुर बन के निकल आए। शायद मौला कहें हम बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ आने का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। ये और बात है कि हुर बनने की तौफीक हुरमुला को नसीब नहीं होती। हुसैन ने खुद ही कहा हम तुमसे बात कर रहे हैं फर्जंद जहरा हैं और तुम हमारी बातों को सुन नहीं रहे हो, इसलिए कि तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए। अजीजो अय्याम अज़ा हैं, हम शुहदा का तज़किरा कर रहे हैं, निजात पाने वालों का जिक्र आया हुर का, हम भी हुर बन सकते हैं। हम अपने ख्वाहिशात के लश्कर से निकलने की कोशिश करें, अपनी तासुब और गुरूर की सियाहियों से निकलने की कोशिश करें, अपनी दुनिया के हिर्स की अंधेरे से निकलने की कोशिश करें, हम भी हुर बन सकते हैं। और जब कोई हुर बनता है तो हुसैन और उनके बेटे उन्हें अलग पहचान देते हैं। कर्बला में सारे शहदा की जनाजे एक साथ कब्र में दफन हैं जो गंजे शहदा कहलाती है, मगर वक्त के इमाम ने दो सहाबी हैं जिनकी कब्रें अलग बनाई हैं, एक हुसैन के लश्कर का फकीह हबीब है ताकि तुम अपने फकीह की कदर पहचानो, और दूसरा हुर है जिसके लिए हुसैन ने कहा था ये मेरा हुर तो ये हुर, तुम दुनिया में भी आज़ाद हो, तुम आखिरत में भी आज़ाद हो। हुर को हुसैन ने खसूसी सनत क्या दी है, मसाहब में हम सुनते हैं दो फिक्रें सुने दो आंसू बह जाएं। हुसैन हुर की लाश उठा के ले आए, जनाजा ला के रखा, हुर के पेशानी पे तीर या पत्थर लगा था, बज़ाहिर तीर लगा था, जिससे शहीद जिंदा होता है जिसका सबूत देते हुए हुर के पेशानी का खून उबल रहा है, रुकता नहीं है। हुसैन समझ गए मेरा हुर उससे क्या मुतालबा कर रहा है। हुर कह रहे थे आका आपने सनद नजात दे दी है, मगर कोई ऐसी शिनाख्त दे दे कि कयामत के मैदान में दूर से पहचाना जा सकूं कि हुसैन के हाथों से नजात पाया हुआ हूं। खून उबल रहा है रुकता नहीं, खून उबल रहा है रुकता नहीं। हुसैन ने एक मरतबा जेब से रुमाल निकाला जो उनकी बदन ग्रामी जहरा के हाथों का बुला हुआ रुमाल था, दस्ते मासूमा का रुमाल हुर की पेशानी में बांध के सने नजात दे दी। हुर उसी रुमाल के साथ दफन हो गए। सदियां गुजरी, मुझे बादशाह का नाम याद नहीं है, लेकिन जब काचाकी है इस दौर के जो बादशाह आए जिनमें मजहब अहले बैत के मानने वाले थे सफवी, कोई मुझे याद ही रह गया, उसने अपने दौर के आलिम से कहा कि हमने हमें सुना है कि शहदा जिंदा है, बादशाह तो बादशाह है, कहा अपने मौला की जियारत भी कर ले, जिंदा है तो उसका जियारत भी कर ले और इस यकीन को इस बात को यकीन की मंजिल तक पहुँचा ले। वो इमाम के कब्र को खोलने तैयार हो गया, आलिम ने समझाया बहुत नहीं मान रहा था, तो कहा अच्छा अगर तुम्हें यही देखना है तो ये जसारत न करो, हुर की कब्र को खोल दो। रवायात कहती है हुर की कब्र खोली गई, हुर उस कब्र में लेटे हैं जैसे अभी आंख लग गई हो, पेशानी पे रुमाल बंधा हुआ है। उसने पूछा रुमाल कैसा है, कहा यह सैयदा का रुमाल है जो हुसैन ने हुर की पेशानी में बांध दिया था, बादशाह ने चाहा अपनी नजात के लिए, कहा अगर शहजादी का रुमाल है तो मैं हुर से ले लूं। हुक्म दिया गया इसे खोल लो, जैसे ही खोला गया फिर से खून का फुव्वारा जारी हो गया। हुर आवाज दे रहे थे ये मुझे औला मौला से तंबे नजात मिला है, मैं ये किसी को देने वाला नहीं, आओ हम सब हुर बन जाएं, उनकी बारगाह में हाजिरी देके हाथों को उठा के दुआ करें, परवरदिगार हम गुनाहों के लश्कर में हैं, हम हिर्स व हवस के लश्कर में हैं, हम जज्बात के लश्कर में हैं, मालिक मौला आप मदद कीजिए हम निकल के ताअत के लश्कर में आ जाएं, हम लितर लितर के मारफत के लश्कर में आ जाएं, हम निकल के ईमान के लश्कर में आ जाएं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रदन बिकदाएही व तस्लीमन लिअम्रे इलाही बिहक्की ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार हमारी इस मजलिस अज़ा को इबादत करार दे और उसे कबूल फरमा ले, इससे जो अजर व सवाब मिला है वह हम मरहूमीन की रूह तक हदिया कर देना चाहते हैं जिनकी रूह के लिए बिलखसूस मजलिस हुई है।
और तमाम मरहूमी की रूह तक पहुँचा दे। परवरदिगार वो मोहताज हैं, हम सब गुनहगार हैं, हम भी मोहताज हैं। महबूद वो हमें छोड़ गए, हम दूसरों को छोड़ के जाएंगे। महबूद हमें वो नस्लें पालने की तौफीक दे जो हमारे जाने के बाद हमारी फिक्र कर सकें, और जो चले गए हैं जैसे हम जिंदगी में उनका ख्याल रखने में कभी कोताहियाँ हुई हैं, मरने के बाद भी कोताहियाँ होती। महबूद हमें मतवज्जे रख के जाने वालों को हम ना भूल ले पाए। महबूद हमारी दुआओं के असर उनकी खबरों तक पहुँचा दे, जन्नत की हवा के झोंके उन तक पहुँचा दे। जो बीमार हैं बहते बीमारे करबला उन्हें शिफा दे दे, जो तंदरुस्ती का शिकार है उन्हें रोज़ी का वसीला, हलाल रोज़ी का वसीला इनायत कर दे। परवरदिगार हम सब मोहताज हैं, हमारी हाजतों अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए दुआ करते हैं। बहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमें अपने नज़ुल नज़ुरात और मन्नतों को पूरा करने की तौफीक इनायत फरमा, हमें अपने घर की ज़ियारत के साथ साथ अतबात आलियात की ज़ियारत का शरफ बार बार इनायत फरमा, हर साल इनायत फरमा। परवरदिगार हमें उनकी शफ़ात पाने के लायक बना के रख, हमें उन गुनाहों से बचा जो उनकी शफ़ात से महरूम कर देते हैं। दीन के खिदमतगुजार उलमा फ़ुकहा मराजे कराम बिलखसूस महाफ़िज़ तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा ख़ामेनेई और वक़ार तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी को सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र इनायत फरमा। परवरदिगार तमाम फ़ुकहा मराजे असातीज़ हौज़ा मोमिनीन मोमिनात खिदमत गुजारना दीन सब की तौफीकात में इजाफा फरमा, ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा, हमें उनके नासिरों में शामिल होने के लायक बना दे। एक बार फिर सूरह हम और तीन बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के उन तमाम मरहूमीन की रूह को अदिया कर दें जिनके तरहीन के लिए मजलिस बरपा की गई है।